Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to your YouTube channel. Guys, मैं भूल जाता हूँ और बार बार my YouTube channel बोल देता हूँ. ये आप लोगों का चैनल है तो वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल. एंड गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी एप्लीकेशन के बारे में जिनका आपको पेमेंट करना ही है, किसी भी हालत में करना ही है. अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, तो इनका आपको पेमेंट करना ही है. ये कुछ 34-35 एप्लीकेशन है जो कि एकदम ध्यान से सुनना, मैं भी बताने जा रहा हूँ, और इनका पेमेंट आपको करना है. अगर आप इनसे लियो तो पेमेंट कर दो, या फिर कुछ भी करो, पेनल्टी हटवाओ पर इनका पेमेंट करो. तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी अगर इनसे लोन लिए होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भी इनका पेमेंट करना है. अब गाइस, मैं अपने चैनल पर एकदम, मतलब आप सभी के चैनल पर एकदम रियल वीडियो डालता हूं ताकि आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत ना हो. तो मैं ये वीडियो डाल के आपको बता रहा हूं कि अगर आप इनसे लोन लिए हो तो आपको पेमेंट करना है. अब आगे करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं बस आपको बता रहा हूं. गाइस, पहले नंबर पे जो लोन आता है वो लोन का नाम है धनी एप्स. जी हाँ गाइस, इंडिया बुल्स की ऐप है धनी ऐप. अगर धनी ऐप से आप लोन लिए तो आपको उसका रिपेमेंट करना ही पड़ेगा. दूसरे नंबर पर आता है मनी व्यू लोन, जो कि ये भी गाइस एक लीगल एप्लीकेशन है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो आपको मनी व्यू का भी पेमेंट करना पड़ेगा. स्टेसफिन का भी आपको एप्लीकेशन का पेमेंट करने पड़ेगा. स्टेसफिन ये भी एक लीगल एप्लीकेशन है, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा. नवी इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये भी गाइस NBFC रजिस्टर्ड है. इंस्टा मनी, ये भी गाइज NBFC रजिस्टर है. अब जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ इसका गाइज आपको डेफिनेटली पेमेंट करना ही है, चाहे जो भी हो जाए. क्रेडिट बी दोस्तों, ये भी NBFC रजिस्टर है. कोई आपके ऊपर गाइज अत्याचार नहीं करती है, ना ही आपको फ्रस्ट्रेट करती है, ना ही आपको कोई कॉल आता है गाली वाला. ये सिर्फ आपका सिविल की माँ बहन एक कर देती है और आपका जो भी है आपका पूरा गड़बड़ कर देती है सिविल और पेनल्टी लगाती है बस. क्रेडिट जी, ये भी दोनों सेम कंपनी है, क्रेडिट बी क्रेडिट जी, दोनों क्रेडिट जी नाम से किसी एक NBFC से रजिस्टर्ड हैं. तो ये दोनों भी गाइज सेम कंपनी है, ये दोनों सेम है. तो इनसे अगर आप पेमेंट लिए हैं तो गाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर इनसे आप लोन लिए हैं तो. स्मार्ट क्वाइन, ये भी गाइज NBFC रजिस्टर्ड है, ब्रांच, जो कि पेनल्टी भी नहीं लगाती है, ना ही आप घर आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दो बारी कॉल करेगी और आपके सिविल की वाट लगा देगी, तो ब्रांच का भी करना पड़ेगा. नीरा पर्सनल लोन, ये भी गाइज इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. फिर उसके पास गाइज आता है पेंशन लोन, पेंशन लोन भी गाइज आपका, ये भी NBFC रजिस्टर है, पेमेंट करना पड़ेगा. सिंपली कैश का भी आपको करना पड़ेगा. पे मी इंडिया, इसका भी आपको करना पड़ेगा. जस्ट मनी, इसका भी आपको करना पड़ेगा. कैश हियर, इसका भी आपको करना पड़ेगा. बजाज फिनसर्व, जी हाँ दोस्तों, ये बजाज फिनसर्व इंडिया के टॉप 10 में आती है लोन देने में. हालांकि इसके ऊपर बहुत गंदे तरीके का RBI चार्ज लगाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है, लोगों को परेशान करती है और भाई तगड़े में बम्बू करती है. अगर आप इससे बाइक फाइनेंस कराओ या लोन लिए हो तो भाई तगड़े में बम्बू करती है अपना पैसा रिकवरी करने के लिए. तो आपका सिविल तो बर्बाद करेगी ही, आपके घर भी लोग आ सकते हैं रिकवरी के लिए. मोबीक्विक, गाइज मोबीक्विक भी NBFC रजिस्टर है, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ATM रेड कारपेट, इसका भी आपको पेमेंट गाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा. फिर इन कार्ड, गाइज इन कार्ड का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा गाइज. और गाइज यहाँ पे आता है होम क्रेडिट. होम क्रेडिट भी गाइज बहुत गंदे वाला आपसे ब्याज लेती है, लेकिन इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि NBFC रजिस्टर्ड है. भारत पे, इसका भी आपको गाइज पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी NBFC रजिस्टर्ड है. लैंडिंग कार्ड, गाइज लैंडिंग कार्ड का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद गाइज आता है वॉलनेट का भी आपको पेमेंट करने पड़ेगा. उसके बाद गाइज आता है 5 पैसा लोन, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. फिर आता है गाइस किस्त, जो कि गाइस अभी भी 90 दिन का बोलती है, लेकिन अभी भी ये एक हफ्ता 15 दिन का लोन दे ही रही है, चालू है इसका लोन देना, तो इसका पेमेंट ना करना आपके हाथ में है. लेकिन ये भी NBFC रजिस्टर है, मैं बता दिया, इसके आपको पेमेंट करना पड़ेगा. इसका रूफिलो, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद दोस्तों आता है हमारा फेयर मनी का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. एम पॉकेट, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी कोई ना कोई NBFC से रजिस्टर है, सिविल में आपके शो कर दिया है. माई शुभ लोन, इसका भी गाइज आपको पेमेंट करेगा. अर्ली सैलरी, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. व्यूनो फाइनेंस का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों. ताला इंस्टेंट पर्सनल लोन, इसका भी गाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ट्रू बैलेंस, इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा. और फिर दोस्तों उसके बाद ये इतना ही एप्लीकेशन है अभी, खैर. तो सो गाइज, जो भी ये लोन एप्लीकेशन थी, जैसा कि फर्जी रहता है तो मैं बता ही देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ. और गाइज जो ये NBFC रजिस्टर है, इनसे अगर आप लोन लियो तो इनका पेमेंट कैसे भी दे दो, भर दो, क्योंकि गाइज ये आपका सिविल का पूरा वाट लगा सकते हैं, आपका पूरा सिविल बर्बाद कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आपके घर भी आ सकते हैं रिकवरी के लिए. हालांकि 4-5 हज़ार रुपये का लोन है, लेकिन गाइज ये भी तो देखो, आप सोचते हो कि 4-5 हज़ार के रुपये के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये बस सिर्फ आप ही को नहीं दिए, बहुत सारे लोगों को दिए हैं. तो एक रिकवरी एजेंट हायर करेंगे ना खाली आपके
सिटी में जितना आपके एरिया में लोगों को दिए हैं, तो सोचो कम से कम कई लाख दिए होंगे। तो वो एक रिकवरी एजेंट आपके घर आके वो पैसा निकाल के ही मानेगा। तो इनका पेमेंट आप लिए हो तो पेमेंट करो, क्योंकि ये सब NBFC रजिस्टर है। आगे आपकी मर्जी, करो या मत करो, मेरा गाइस फिर बाद में इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा कि मैं बोला, ये बोला, वो बोला। गाइस आपको पेमेंट करना ही है इन लोगों का, मैं पहले ही बता दिया, आपको इनका पेमेंट करना पड़ेगा। अब जल्दी से इनका पेमेंट कर दो, कुछ भी जुगाड़ करो, कहीं से भी लाओ, इनसे टाइम मांगो, लेकिन इनका पेमेंट करो, क्योंकि ये आपका सिविल बिगाड़ सकती हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में गाइस। और साथ ही में अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो, कॉल पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से, तो आप हमारा 500 का मेंबरशिप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन पे नंबर है, हमें पैसा पे करो, स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजो, उसके बाद आप एक महीना तक हमसे कभी भी कॉल करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और हमसे जान सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक महीना तक आपका वो मेंबरशिप वैलिड रहेगा। तो यही था आज के वीडियो में गाइस। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस अगर ये सभी लोन आपको प्रताड़ित कर रही हैं, गाली वाली दे रही हैं, आपको पेमेंट करने का मन नहीं है, तो आपको RBI के सचेत पोर्टल में, साइबर क्राइम में, पुलिस स्टेशन में कहीं भी कंप्लेन आप कर सकते हो। लेकिन ये NBFC रजिस्टर है, तो ये लीगली तरीके से काम कर रही है, जिसमें से हालांकि किस्त रूफी इलीगल तरीके से काम करती हैं, लेकिन उनका आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन बाकियों का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और किस्त और रूफीलों का भी करना पड़ेगा, पेनल्टी रिमूव करवा लो, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।